बहनों से मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, हमारे केसीआर साहब जो है और बीआरएस जो है किसी एक तबके के लिए, किसी एक मजहब के लिए काम करने वाली जमात हमारी नहीं है। ये हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर हमारे जो हैं, आज हर किसी के लिए, हर किसी गरीब के लिए काम करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। मखदूम मोहिउद्दीन ने एक बार कहा था, मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने एक बार कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इस कहावत में आज केसीआर साहब विश्वास रखते हैं, इसलिए आज केसीआर साहब ने 200 से ज्यादा आज अच्छे से अच्छे तालीम देने वाले हमारे बच्चों को दुनिया के काबिल, दुनिया से लड़ने के काबिल बनाने वाले स्कूलों को चालू किया टिमरिस के जरिए। आज बहुत शानदार तालीम मिल रहा है टिमरिस स्कूलों में। आप एक बात सोचिए, आज मौजूदों को और इमामों को, इससे पहले कांग्रेस हुकूमत जब थी एक बूटी कौड़ी भी नहीं देते थे, एक पैसा भी नहीं देते थे। आज केसीआर साहब जिस दिन से सत्ता संभाले हैं, हुकूमत में आए, तब से लेके आज तक 17,000 जैसे हम लोग टेम्पल में देते हैं, हमारे टेम्पल में देते हैं, गुड़ी में देते हैं हमारे अर्चकों को और हमारे ब्राह्मण पुजारियों को, वैसे ही आज मस्जिद में जो इबादत के लोग हैं हमारे इमाम और मौजन, उनको भी आज तनख्वाह दिया जा रहा है। एक और बात भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इन नौ सालों में आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में क्या माहौल है आप देख रहे हैं। आज पार्लियामेंट में गाली दिया जाता है, सीधा खुलेआम बोला जाता है तुम मुसलमान हो इसलिए तुम उग्रवादी हो। आज तेलंगाना में ये माहौल है क्या, एक बार सोचिए। तेलंगाना में भाईचारा है, तेलंगाना में अमन है, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब है। मैं भाइयों से बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ, बहक मत जाना गलत गलत बात फैलाने वाले कि बीआरएस बीजेपी एक है या बीआरएस कांग्रेस एक है। ये जो लोग बहकावे बहकाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, इन पे विश्वास ना करिए। 9 साल की हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 9 साल में हमने गरीब को गरीब की तरह देखा है। हमने मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं किया है, मजहब को और सियासत को कभी मिलाया नहीं हमने। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूँ, आज जो भाईचारा और अमन यहाँ पे कायम है, इसको ना सिर्फ बरकरार रखना है बल्कि इसको मजबूत करना है और आगे जाके तेलंगाना हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को एक मिसाल के तौर पे आज पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से पूरे दुनिया को आज अपनी तरफ देखना है।